हाय एवरीवन, मैं हूं शेखर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एकदम फिल्मी। देखो यार, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू कर रहा हूं ना, वो कोई मास्टरपीस नहीं है, पर बहुत ही फन और एंटरटेनिंग मूवी है। आपको डेफिनेटली ये फिल्म देखने में मज़ा आएगा। सोरोरिटी रो 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। सोरोरिटी रो वैसे तो रीमेक है द हाउस ऑन सोरोरिटी रो का, जो कि 1982 में आई थी, और सोरोरिटी रो उन रीमेक में से एक है जो एक्चुअल में अच्छी है। इनफैक्ट सोरोरिटी रो का कभी पार्ट टू बनता है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू वॉच इट। सोरोरिटी रो के डायरेक्टर हैं स्टीवर्ट हैंडलर और ये मूवी बेस्ड है हु डन इट वाले फॉर्मूले पर। और इंटरेस्टिंगली, ये फिल्म में आप एक्चुअल में ना एंड तक गेस नहीं कर सकते कि किलर कौन है, और इस मूवी की USP भी यही है। सोरोरिटी रो में आप देखोगे एक गर्ल्स का ग्रुप जो एक लड़के पे प्रैंक करती है, एंड देन दी प्रैंक गोज रॉन्ग, और फिर 8 मंथ्स के बाद ना सीरियल किलिंग शुरू हो जाती है। ये मूवी देखते हुए मुझे थोड़ी याद आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर की भी आई, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। और दोनों मूवीज में सीरियल किलर का गेटअप भी एक जैसा ही लगा मुझे, सिर्फ रेनकोट को ग्रेजुएशन गाउन से बदल दिया है। सोरोरिटी रो एक लाइट स्लैशर मूवी भी है, ज्यादा ब्लड एंड गोर तो नहीं है, पर जो किल्स है ना वो बहुत इनोवेटिव है। इस मूवी में एक कैरेक्टर का नाम है चग, और मैं पूरा टाइम ये सोच रहा था कि इसका नाम चक क्यों है, फिर जब वो मरती है ना, देन आई वाज ओहो आई सी इसे चक क्यों बुलाते हैं, इट्स कूल। जैसे मैंने कहा, किल्स बहुत इनोवेटिव है। एक लड़के को बालकोनी से मारते हैं, एंड आई थिंक दैट वाज द डोपेस्ट किल इन दिस मूवी। सोरोरिटी रो में राइट अमाउंट ऑफ कॉमेडी भी है, और जब इन गर्ल्स को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं ना, तो वो एक दूसरे के लिए जो बोलती है, दैट मेड मी लाफ माई एज आउट। और इस मूवी में ना कई सारे सीन्स हैं ऐसे जो आपको अचानक से काफ़ी हंसा देंगे। मूवी के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर है जिसके आप बहुत परवाह करने लगते हो, और एक कैरेक्टर है प्योर बिच का, यू वांट हर टू डाई सो बैडली ना कि आप पूरी फिल्म में उसके मरने का इंतजार करते हो, और उसकी डेथ भी बहुत सेटिस्फाइंग है। एक कैरेक्टर है जो आप चाहते हो कि ना मरे, बट ऑफकोर्स देन दे विल डाई। वीकेस्ट पॉइंट इस मूवी में मेरे हिसाब से मूवी का फाइनल एक्ट है। आई एम नॉट इन लव विद द फाइनल एक्ट ऑफ दिस मूवी। और मेगन की सिस्टर का कैरेक्टर था ही क्यों, उसको खामखा डाला है जस्ट टू फिल द स्पेस, जस्ट टू कन्फ्यूज अस आई गेस। पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डिड नॉट लाइक हर कैरेक्टर। ओवरऑल कंक्लूजन मेरा सोरोरिटी रो को लेके ये है कि ये मूवी स्टार्ट ही पार्टी से होती है, जो कि बहुत अल्टीमेट लगती है। बहुत सारी हॉट गर्ल्स हैं एंड लॉट्स ऑफ बूबीज इन दिस फिल्म। इनोवेटिव किल्स है और सस्पेंस ऐसा है कि आप एंड तक गेस नहीं कर पाओगे कि हु इज द किलर। और परफॉर्मेंस भी सबकी अच्छी है। अगर आपको कोई लाइट हार्टेड स्लैशर मूवी देखने का मन है तो आप इस मूवी को काफ़ी इंजॉय करोगे। फिल्म से रिलेटेड आपको कोई भी बात करनी हो तो मैं ट्विटर पर हूँ, ट्विटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Bye.